बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुबई से मुंबई के बीच अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत यूएई के द्वारा की गई है, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे बनाने की। बता दें कि यूएई के द्वारा ये ट्रैक फुजायरा बंदरगाह से मुंबई के बीच बिछाया जाएगा। इस ट्रैक की लंबाई 2000 किलोमीटर से भी कम होगी। इस 2000 किलोमीटर के ट्रैक को अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर सकेगी। इस परियोजना से न केवल लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि इसके साथ ही यूएई और भारत के बीच व्यापार में भी वृद्धि होगी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। और इस योजना से यूएई में काम करने वाले भारतीयों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, निर्यात आसान होगा। दुबई के फुजायरा पोर्ट से तेल और मुंबई के नर्मदा नदी से पानी का आयात निर्यात काफी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस रेल रूट के बनने से पेट्रोलियम पदार्थ भारत तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा, जिससे हमारे देश में आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों से भी हमें राहत मिलेगी और यूए को यहां से मीठा पानी सप्लाई किया जा सकेगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि यूए में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी का है। यूए समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर अपने लिए पानी जुगाड़ता है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि समुद्र के अंदर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र में सुनामी जैसी आपदा आते रहती है, या वहीं अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उस स्थिति में लोगों का बचाव कैसे किया जाएगा। इस तरह के न जाने कितने सवाल हमारे मन में आता है। इन सभी बातों को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और यूएई इन दोनों देशों के बीच में पानी के ऊपर अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो जल्द से जल्द ट्रेन के पास मदद पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही दोनों देश ये भी कर सकते हैं कि वो इस समुद्री मार्ग की शुरुआत पहले केवल माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल करें और जब कुछ सालों के बाद इस यातायात में किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की कोई घटना के घटित होने की बात सामने न आए तो इस रास्ते की शुरुआत लोगों के लिए भी कर दिया जाए।